नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर में भी ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें, ईद उल जुहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से छतरपुर जिले में मनाया गया। हम आपको छतरपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर छतरपुर में भी पानी गिरने के कारण थोड़ी सा अवरोध पैदा हुआ है कि जो बड़ी ईदगाह पर जहां पर नमाज होनी थी, वहां की जगह सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने नजदीकी ही मस्जिद में नमाज अदा की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गढ़ी मलेरा क्षेत्र की है, जहाँ पर वहां पर भी एक हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया गया है। एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। हर नमाज में हम आप दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अगर ये ना पढ़े तो नमाज में कमी वाक़ हो जाती है। तो हज़रत ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वो मुकाम था, वो अज़मत था, वो बुज़ुर्गी थी अम्बिया अलैहिस्सलाम जो सवा लाख कमावेश अम्बिया अलैहिस्सलाम हुए, उसमें इब्राहिम जैसे कि आप अक्सर सुनते आए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमूद से मुआवज़ा किया। नमूद का ज़माना था, नमूद तो अपने को खुदा कहता था, बहरहाल आपने उसकी खुदाई का खात्मा किया और बहुत से इम्तहान आए जिसमें आप पूरी उतरे, सही उतरे और नबियों को उतने इम्तहान से नहीं गुजारा गया जितना आपको गुजारा गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बीवियाँ थी, पहली बीवी का नाम था हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी बीवी का नाम था हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब क्योंकि पहली बीवी के कोई बच्चा नहीं हुआ, बाद में पैदा हुआ हजरत इसहाक। तो खबर दिनभर के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में नई खबर के साथ। नमस्कार।